टू माई चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ की फर्स्ट फ्लाइट की सिक्स्थ पोयम अमेंडा। सो बेसिकली इस पोयम में क्या है और इसको किसने लिखा है वो हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और आपको सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेंगी और आपके सैम्पल पेपर्स भी आ चुके हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो जाकर आप चेक करें। अब हम अपनी आज की पोएम स्टार्ट करते हैं अमेंडा, जिसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। सो बेसिकली इस पोएम में क्या है कि एक जो बच्चे की इनोसेंस होती है जब वो छोटा होता है और उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो जो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं और जो उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इस पोएम में वही बताया गया है कि जब अमेंडा जो है ग्रोइंग अप यानी कि ग्रोइंग एज में होती है, तो उसकी मदर जो है उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फील करे, प्रॉपरली बिहेव करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाए। और हर एक बात में जैसे उसको टोकते हैं तो अमेंडा को भी इस बात से मतलब इरिटेशन भी होती है। तो जो चैलेंजेस वो फेस करती है, इस पोएम में हमें बेसिकली वही बताया गया है। अब हम अपनी पोएम को जो है स्टेंजा वाइज स्टार्ट करते हैं। सो पोएम ऐसे स्टार्ट होती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, देर इज अ लैंग्वेज इमरलेड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। सो यहाँ पर हंच का मतलब होता है बेंड, मतलब झुक जाना। स्लाउचिंग का मतलब होता है लेजी वे में बैठना, और लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स, और एमरलेड का मतलब होता है ग्रीन कलर, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि जब हम पानी के ऊपर धीरे से स्लोली स्लोली जब तैरते हैं, और ब्लिसफुली यू नो हैप्पीली। सो इस स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा है कि जो पोएट ने जो है इस स्टैंजा में अमेंडा को डिस्क्राइब किया है, एक वो छोटी बच्ची जो हमेशा अपनी मदर से पॉइंट आउट होती रहती है उसकी मिस्टेक्स के लिए, और वो कैसे अपनी लाइफ को इमेजिन करती है। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि जो मदर है वो अमेंडा को पॉइंट आउट करती है कि वो अपने नेल्स ना खाए क्योंकि वो एक बुरी आदत है। उसके बाद वो उसको बोलती है कि उसको स्ट्रेट बैठना चाहिए विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स, क्योंकि अमेंडा को हैबिट है कि वो बेंड होकर बैठती है और लेजी तरीके से बैठती है। तो उसकी मदर उसको वही पॉइंट आउट करती है और उसको राइट पोस्चर में बैठना सिखाती है। इस टाइम पर जो है जब वो अपनी मदर से जब डांट खा रही होती है या उसकी मदर उसको कुछ सिखा रही होती है, तो वो अपने आप को इमेजिन करती है एक ग्रीन से सी में, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा रेजिडेंट है, जहाँ पर वो अपने आप को इमेजिन करती है एक मरमेड की तरह, मरमेड हु इज़ अलोन, जो वहाँ पर अकेली है और बहुत ही रिलैक्सिंग वे में अपनी लाइफ को जी रही है। और वो कहती है कि वो जो है पानी के भाव से जो है आगे की तरफ जाती जा रही है। मरमेड जो पानी के अंदर ब्यूटीफुल सी फिश टाइप होती है उसको मरमेड बोला जाता है, जलपरी जिसको आप बोलते हैं। तो वो अपने आप को जलपरी की तरह इमेजिन कर रही होती है और उसकी मदर जो उसको सिखा रही होती है उसका उस पर ध्यान नहीं होता, बल्कि उसका अपनी इमेजिनेशंस पर ध्यान होता है, जिसके अंदर वो एक मरमेड बनी हुई है और अपनी लाइफ को बहुत ही रिलैक्सिंग वे में जी रही है। उसके बाद है, Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I patron soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. तो यहाँ पर क्या कहा है इस पैराग्राफ में? फिर से उसकी मदर उसको जो है इंक्वायरी कर रही होती है कि उसको सिखा रही होती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने अपना रूम साफ़ किया, और वो उसको याद भी दिलाती है कि क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन किए। और जब वो वहाँ पर उसको ये सब बोल रही होती है तो उसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं उससे, पढ़ाई से रिलेटेड, रूम क्लीनिंग के ऊपर। और वो उसको बोलते कि मैंने तुम्हें ये सब पहले भी बोला था। अमेंडा जो है अपने मदर के इंस्ट्रक्शंस को सुन रही होती है, लेकिन साथ ही फिर वो अपने आप को इमेजिन कर रही होती है कि वो एक ऑर्फन है जो इधर उधर घूम रही है गलियों में। इसका मतलब है कि वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, वो पूरी तरह से आज़ाद है,
गलियों में आज़ादी से घूम रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई मदर नहीं है, कोई फादर नहीं है उसको टोकने के लिए कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो। उसने जो है अपनी ही एक अलग सी इमेजिनेशन में दुनिया बना ली है। उसके बाद वो जो है बेयर फीट यानी बिना शूज़ या चप्पल पहने हुए घूम रही है, उसके ऊपर डस्ट लगी हुई है, और वो जो है मतलब वो सब सोच रही है जो उसकी मदर उसको बोल रही है ना, वो उसके अपोजिट की जो है इमेजिनेशन कर रही होती है। उसकी मदर जैसे चाहती है कि वो साफ सुथरी बनकर रहे, लेकिन वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है, ऐसा इमेजिन कर रही है कि उसने चप्पल नहीं पहनी, उसके पैर गंदे हैं, डर्टी बनी हुई है वो। और अमेंडा जो है डस्ट में खेलना चाहती है, और वो इन सब से मतलब अपने मदर के कांस्टेंट यानी लगातार इंस्ट्रक्शन से इतना ज़्यादा फेडअप हो चुकी है कि वो बोलती है कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है, मतलब कि साइलेंस बहुत ज़्यादा प्रीशियस और क्रूशियल है, क्योंकि उसको अपनी मदर का बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको उस वक्त साइलेंट चाहिए। वो कहती है कि जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होगा, तो उसका मतलब है कि वो जो है फ्री फील करना चाहती है अपनी मदर से। उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, लेकिन वो फिर से अपनी दूसरी इमेजिनेशन में है, जहाँ पर वो अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन कर रही है और अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर रही है। अगेन इन नेक्स्ट स्टेंजा, डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। सो यहाँ पर रैपुंज़ल का मतलब है कि जो एक गर्ल है जो फेरी टेल में जो गर्ल है जो कि ब्रदर्स ग्रीम के द्वारा लिखी गई है, उसमें एक रैपुंज़ल एक करेक्टर है, तो वो अपने आप को वो इमेजिन करती है। और ट्रैंक्विल का मतलब होता है क्वाइट। सो इस पैराग्राफ में फिर से उसकी मदर उसको बोलती है कि तुम जो है चॉकलेट्स मत खाओ, तुम्हें याद है ना फिर तुम्हारे पिंपल्स हो जाएंगे। और उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लेकिन फिर से जो अमेंडा होती है वो अपने आप को इमेजिनेशन में ले जाती है और अपने आप को रैपुंज़ल से कंपेयर करती है, जो कि एक करेक्टर है फेरी टेल का जो कि लिखी गई है ब्रदर्स ग्रिम के द्वारा। तो वहाँ पर जो है कैप्चर्ड इन टावर बाय अ विच, तो वहाँ पर क्या होता है इसमें कि रैपुंज़ल जो होती है एक विच जो है उसको कैप्चर कर लेता है। अब विच जो है वो जो है टावर में क्लाइंब करता है और वो उसको हेल्प करता है कि वो उसको यहाँ से ले जाए, अपने लंबे बालों में लपेट कर रैपुंज़ल को ले जाता है विंडो से। सो अमेंडा सोचती है कि वो भी एक रैपुंज़ल बनना चाहती है, क्योंकि वो जो है अपनी लाइफ को इस टावर के साथ कंपेयर करती है और एक पीसफुल और एक अनयूजुअल सी लाइफ जो है वो इमेजिन करती है, क्योंकि जब जब उसकी मदर उसको कुछ बोलती है वो अपनी मदर को सुनने के बजाय अपनी ही इमेजिनेशन में चली जाती है। अब उसके बाद वो कहती है कि वो जो है अपने हेयर्स को भी कभी भी अपने बालों को जो है लेटर गो नहीं करेगी, क्योंकि इस टावर में कोई नहीं आएगा जो उसको ऐसे बचाकर ले जाएगा। सो वो अपने आप को अलग ही इमेजिनेशन में रखती है। तो ये थी आपकी पोयम। उसके बाद है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, नेग्ड का मतलब है हरास। वो कहती है कि तुम ऐसे सल्किंग मतलब हमेशा बैड मूड में रहती हो, हमेशा इतनी मूडी रहती हो, तुम्हारा पता ही नहीं चलता है कि कब तुम खुश हो। अगर कोई देखेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं तुम्हें हरास करती हूँ, तो तुम ऐसे बिहेव क्यों करती हो, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, सबको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत डोमिनेटिंग हूँ। तो उसकी मदर उसको यही सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अमेंडा जो है अपनी ही इमेजिनेशन में गुम रहती है। तो ये थी आपकी पोयम, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन।